नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564505096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे उनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं एस के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी सीरीज चल रही है बीपीएससी के लिए जो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग सेगमेंट वाइज बाइलिंगुअल मैनर में, यहाँ पर उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे आज हम लोग। और आज बिहार स्पेसिफिक वाले जो क्वेश्चंस हैं उस सेगमेंट को देखेंगे हम लोग, तो आइए उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो शेयर नहीं करता है अपने बॉर्डर को नेपाल के साथ, है ना। तो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में है यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका, तो यहाँ पर मधुबनी दिया है, किशनगंज, सीतामढ़ी ये सब करता है, पूर्णिया जो है वो टच नहीं करता है, वो जो आपका नेपाल है उसको नेपाल के साथ जो है वो बॉर्डर नहीं बनाता है, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम यहाँ पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा भारत के बिहार राज्य में मौजूद आपकी ऐसी साइट है जो एकमात्र आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो वो है आपकी नालंदा में जो आपका बौद्ध मठ है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर जो बर्ड आपका सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो किस राज्य में है ये पूछा जा रहा है आपका, तो ये बिहार में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो प्रोविंशियल आपका प्रांतीय किसान सभा का जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, फॉर्म किया गया था, उसको गठन किया गया था, तो कौन से ईयर में किया गया था, तो भैया 1929 में किया गया था। सहजानंद सरस्वती जी का नाम सुना होगा आपने, फिर उसके बाद वो 1934 में उनका एरा जो है वो बहुत प्रोमिनेंट रूप से उभरेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन से एक्ट के द्वारा जो है बिहार एक अलग प्रांत बना था, अलग प्रांत बनाया गया था उसको, ठीक है ना, सेपरेट, तो ये बनाया गया था आपका 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य राज्यों के कंपेरिजन में जो लैंड होल्डिंग्स है बिहार में, भूमि के जो आकार का औसत आकार है ना, औसत आकार जो है वो क्या है ना, कम है, ज्यादा है, ठीक है, तो ये बताना है यहाँ पर। तो ये जो है आपका दूसरा जो है यहाँ पर सबसे कम, सेकंड लोएस्ट है यहाँ पर, है ना, लैंड होल्डिंग्स। वैसे भी हमारे यहाँ जो 86% लोग है जो फार्मर्स है वो सीमांत किसान है, आप लोगों को पता होगा, जिनके पास जो है 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, ठीक है ना। तो ये दूसरा सबसे कम है भूमि का आकार, औसत आकार अन्य राज्यों की तुलना में, इसके मतलब लोएस्ट सेकंड नंबर पे बिहार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान जो आपका लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम है करेंट प्राइसेस पे बात कर रहा है, ठीक है ना, चालू कीमतों पे, तो उसमें जो भारतीय राज्य के लिए सबसे कम कौन से राज्य की है आय, है ना, वर्तमान कीमतों पे मतलब चालू कीमत की बात कर रहे हैं यहां पर, और प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में कौन से राज्य की सबसे कम है, तो इसमें भी जो है आपका बिहार की सबसे कम है। इसके बाद बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई पूछी गई है आपकी, तो इसका आंसर आपका सेकंड लोएस्ट हो जाएगा, फिर से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल पार्ट आता है आपका बिहार से, और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है उसके बारे में बताना है हमको, तो ये आपकी पुनपुन नदी है, ठीक है ना, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ये किसी और चीज के लिए भी फेमस है क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन ने जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है ना, उसमें जो नदन आपका बिहार है, नॉर्थ बिहार है, उसमें किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है ना, यह बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन है, तो CWG हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में कौन सी मिट्टी पाई जाती, तो देखिए बिहार एक तराई क्षेत्र है, तो अब यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती इस एरिया में स्पेसिफिक, तो न्यूअर आपकी एल्यूवियम, नवीन जलोढ़ मिट्टी वहां पर पाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो सर्वाधिक ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक जूट का प्रोडक्शन होता है, जूट उत्पादक जिला कौन सा है ना, तो ये आपका इसका आंसर आपका पूर्णिया हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है त्रिवेणी जो है नहर कौन सी नदी पर निर्मित है ये आपकी, ठीक है, तो ये आपकी गंडक नदी पर है, गंडक नदी पर है, और बिहार का शोक किसको बोला जाता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर जी हैं उनका साल्वेशन प्लेस कौन सा है, मतलब मोक्ष स्थल उनका कौन सा है,
जहां पर वो अवस्थित है उस जगह का नाम बताना है हमको। तो ये है आपका पावापुरी, ठीक है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमूर का जो पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कैमूर का प्लेट्यू जो है लाइमस्टोन के लिए फेमस है, ये आप लोगों को पता होगा और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था, उसका नाम क्या है वो बताना है हमको, तो उसका नाम है आपका हुंकार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि 1913 में घटना मतलब पटना में कहां पर 1913 में पटना में जो अनुशीलन समिति थी उसकी एक शाखा थी उसकी स्थापना किसकी की थी, किसने की थी। अब ये बताइए एक ये गुप्त जो है आपकी क्रांतिकारी क्या है संस्था भी थी अभिनव भारत, उसकी स्थापना किसने की थी, फिर ये अनुशीलन समिति है, तो ये सब क्या है आपके रिवॉल्यूशनरी फेज का हमारा जो है ये आपका अंग है आयाम है, उसी के अंतर्गत जो अनुशीलन समिति की जो स्थापना की गई उसकी एक ब्रांच भी थी जो पटना में थी 1913 में, तो उसका नाम जो है पूछा जा रहा है कि उसका जो स्थापना किसने की थी उनका नाम बताइए आप, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंगेर में जो किसान सभा का आयोजन किया गया 22-23 में 1922-23 में तो किसके द्वारा किया गया था, ठीक है ना, तो सहजानंद सरस्वती जी का भी नाम है यहाँ पर, कृष्णा सिंह जी का भी नाम है, जुबैर जी का भी नाम है, केएन सिंह का, तो ये आपका जो ई ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका, है ना, जिसमें आपका वन ऑफ द अबव हो जाएगा, इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है उसका जन्म 1934 में हुआ और इसके सचिव कौन थे, है ना, उसके सचिव कौन थे वो बताना है हमको यहाँ पर, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, बी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति भी होगी आगे चल के, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से संविधान सभा के सदस्य कौन थे ये बताना है हमको बिहार से, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एएन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद जी, जगजीवन राम जी हो गए और एसएन पी मिश्रा भी हो गया, श्याम नंदन मिश्र भी हो गए, तो एक से अधिक हो जाएगा, इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार का जो पहला भारतीय मंत्रालय जो था, है ना, 1937 में वो किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था ये बताना है हमको, तो ये अस्तित्व में आया था एमडी यूनुस जी के, मोहम्मद जो आपके यूनुस थे। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद के विचार से पाकिस्तान का पिता किसे माना जाता है, पाकिस्तान का पिता किसे माना जाता है, तो ये जिन्ना को माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना लॉन का जो नाम बदलकर गांधी मैदान रखा गया वो कब रखा गया आपका ये बताना है, तो यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट, एंटी साइमन कमीशन रैली, ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो फिर इसमें ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नहर प्रणाली जो है बिहार के क्षेत्रों को सींचती है, है ना, नीचे दिए गए जो नाम है उनमें से हमको आइडेंटिफाई करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिवेणी कैनाल है आपका, अभी अभी देखा था हमने कौन सी नदी के ऊपर, बताइएगा गंडक पे है क्या। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी जो लिमिटेड है वो कौन से स्थान पर जो है सिचुएटेड है, उसका नाम बताना है हमको, तो ये जो है आपका जमालपुर है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हाईवे है जो छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये नेशनल हाईवे नंबर 85 है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 से 11 के दौरान जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो कौन से जिले में हुई है बिहार में वो बताना है हमको, तो इसका आंसर आपका क्या है, मधेपुरा हो जाएगा। इसके बाद जो बिहार में रेशम जो सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर है उसके बारे में बताना है, उस जगह को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है हमको, तो इसका आंसर आपका भागलपुर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची के उत्पादन के लिए भी बिहार प्रसिद्ध है क्या, बताइएगा आप लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र है, जिसमें 2005-06 से लेके 2014-15 के दौरान सर्वाधिक वृद्धि जो है दर्ज की, कौन सा सेक्टर है ऐसा, है ना, इकोनॉमी के अंतर्गत, एग्रीकल्चर है कि बैंकिंग है कि रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग है कि ट्रांसपोर्ट है आपका, कौन सा सेक्टर है वो आपका, ठीक है, तो ये आपका रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग है, पंजीकृत विनिर्माण है आपका, ठीक है ना, तो आपका सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद कौन सा जो जिला है बिहार का, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पर कैपिटा इनकम के मानदंड के अनुसार सबसे गरीब है, सबसे गरीब है आपका, तो ये है आपका शिवहर, है ना, शिवहर जो बोला जाता है, शिवहर लिखा हुआ है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है बिहार में राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उनकी टोटल लेंथ बताना है हमको यहाँ पर, तो 5358 किलोमीटर है। इसके बाद बिहार राज्य में जो प्रति व्यक्ति के हिसाब से ऊर्जा की खपत है वो पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका आंसर आपका 203, 187, 161, 145, तो ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव वाला जो आपका ऑप्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जीविका जो है बिहार सरकार का एक इनिशिएटिव है
तो स्टेट स्पेसिफिक आपका क्या है, आपका करंट अफेयर्स है, है ना, तो उससे रिलेटेड है ये आपका, और इसमें इंप्लॉयमेंट जनरेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पॉवर्टी एटीन्यूएशन है ये आपका, तो ये आपका उन्मूलन है, और यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर इसमें आंसर आपका ई हो जाएगा। देखिए ये एक स्पेशल जो है आपका ऑप्शन है बिहार में, और अगर आपको एक से अधिक आंसर दिख जाए, है ना, तो वही आंसर हो जाएगा आपका, या तो फिर चारों नहीं होंगे तब, है ना, तो ये इजी भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। इसके बाद जो एसपीयूआर प्रोजेक्ट है बिहार में, वो रिलेटेड किससे है ये पूछा जा रहा है, तो ये रिलेटेड है आपका किससे है बताइए, हेल्थ है, पॉवर्टी है, बैंकिंग है, म्यूनिसिपल फाइनेंस है, और फिर उसके बाद फिर वही ई ऑप्शन है आपका, ठीक है, तो फिर इसका आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक हो जाएगा, ये आपका म्युनिसिपल फाइनेंसिंग से भी रिलेटेड है, पॉवर्टी को भी रिडक्शन करना है यहाँ पर, अर्बन पॉवर्टी जो आपकी पॉवर्टी है, गरीबी है, तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे, जो लीडर थे, वो कौन थे, उसका नाम बताना है हमको यहाँ पर, तो ये बाबू कुंवर सिंह थे, सर्वाधिक जो है आपके एज वाले भी यही हमारे यहाँ से वीर थे, क्रांतिकारी थे, है ना, भारतवर्ष में। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने महात्मा गांधी जी का जो ध्यान है, वो यूरोपीय इंडिगो प्लांटर, जो प्लांटर्स थे, है ना, इंडिगो मतलब नील की खेती करने वाले, तो उनके द्वारा किसानों के शोषण की ओर उन्होंने जो है आकर्षित किया था उनका ध्यान, तो ये राजकुमार शुक्ल जी फेमस थे, इन्हीं के बुलावे पर फिर गांधी जी जाते हैं वहां पर चंपारण, ठीक है ना, और यहीं से जो है उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन इंडियन पॉलिटिक्स में गांधी जी की स्टार्ट होती है, है ना, ये पहला ही सत्याग्रह है उनका, तो इसका आंसर आपका भी हो जाएगा राजकुमार शुक्ल जी। और इसके बाद जो तिनकटिया प्रणाली वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना कॉलेज के मतलब को किसने छोड़ दिया था जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उसके लिए अपनी परीक्षा के उनके से 20 दिन ही बचे थे, लेकिन उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया था, पटना कॉलेज, उनका नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो ये आपके जयप्रकाश जेपी जी थे, जयप्रकाश नारायण जी, और बहुत प्रोमिनेंट नाम है इनका, प्रोमिनेंट नेम है इनका। इसके बाद जो असहयोग आंदोलन हुआ उसके दौरान अपने लाभप्रद व्यवहार को छोड़ने वाले बिहार के एक याचिकाकर्ता कौन थे, है ना, कौन थे, उसका नाम बताना है हमको यहाँ पर, तो जो यहाँ पर थे वो भी आपके राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, है ना, तो कोई भी स्टेट पीसीएस हम लोग देख रहे हो, तो ये सब नॉर्मल जानकारियां हैं, बिल्कुल कॉन्क्रीट नोट्स होने चाहिए हमारे पास उसके, और उसी को रिवाइज करना चाहिए, है ना, तो ये पॉलिटिकल जो भी स्ट्रक्चर है वहां पर विधानसभा में, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, तो ये सब हमको वहां पर रिवाइज करना चाहिए, उसी में से है ये आपका 40 सीट्स को रिप्रेजेंट करता है बिहार वहां पर लोकसभा में। बिहार का अनूठा त्योहार कौन सा है वहां पर, ये पूछा जा रहा है, तो देखिए छठ पूजा तो बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ की, है ना, उसके उसी को जो है बोला छाऊ पूजा जो है वो भी फेमस है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। पटना में जो है कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिनका जन्म हुआ था, उनका नाम बताना है हमको यहाँ पर, तो ये है आपके गोविंद सिंह लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो पूछा जा रहा है कि बिहार का डालमिया नगर जो है किस लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, तो सीमेंट के लिए है, डालमिया सीमेंट आप लोगों ने सुना होगा। इसके बाद बिहार में जो वन के अंतर्गत क्षेत्र है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है आपका, वो पूछा जा रहा है, है ना, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है वो पूछा जा रहा है, तो ये फैला हुआ है 6473 स्क्वायर किलोमीटर में। और निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, पूर्वी भाग में, मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका, तो ये आपका कटिहार होगा, कटिहार हो जाएगा जो सी में दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में अवस्थित है, ये बताना है, अनुपम है, सांभर है, सांभर तो हो गई नहीं, सुकना है, कामा है, है ना, जो लिखा हुआ है यहाँ पर झीलों के नाम, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो अनुपम झील है। इसके बाद जो जयप्रकाश नारायण जी को कौन से नाम से जाना जाता है, तो लोकनायक के रूप में इनको जाना जाता है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है बिहार के किसान नेता थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का तो नाम यहाँ पर है ही, ठीक है ना, ये हम लोगों को पता ही है। और इसके बाद जो स्वामी विद्यानंद जी का नाम है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम है, तो सिर्फ जो है ओनली सेकंड आ जाएगा, ये तो गुजरात से रिलेटेड है, ओनली सेकंड आ जाएगा, आप थर्ड को एलिमिनेट कर देते, ठीक है ना, और आपका सेकंड होगा ही, ठीक है, और पहला भी नहीं होगा विद्यानंद, तो ओनली सेकंड इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का जो ट्राइबल अपराइजिंग हुआ था वो कब हुआ था, छोटा नागपुर का जो आदिवासी विद्रोह हुआ था तो कब हुआ था, ये बताना है हमको,
तो ये हुआ था आपका 1820 में, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने गांधी जी के जो चंपारण सत्याग्रह उससे रिलेटेड क्या था, तो तिनकटिया प्रणाली था ये आपका, है ना, मैंने पहले भी बताया। एक स्पेसिफिक एरिया में जो है उनको नील उगाने के लिए बाध्य किया जाता था और नील की खेती अब वाइबल नहीं थी वहां के लोगों के लिए, सूखाग्रस्त होती जा रही थी जमीन, तो परेशान थे किसान वहां के, है ना, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उलगुलन जो आपका आंदोलन है उससे रिलेटेड क्या था आपका, वो बताना है यहाँ पर नीचे दिए गए ऑप्शंस में, ठीक है, तो इसका आंसर आपका कच्चा नागा हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंगेर के जो बरहीताल आंदोलन है उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, ये बताना है हमको यहाँ पर, तो इसका उद्देश्य था डिमांड ऑफ रिटर्न देयर, जो आपका क्या था बक्स जमीन थी उसको वापस लेने की मांग की गई थी यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बंगाल से अलग कब हुआ, ये बताना है हमको यहाँ पर, ठीक है, तो ये अलग हुआ आपका 1912 में, दिल्ली घोषणा पत्र के बारे में आप लोगों को पता होगा, जॉर्ज मेरी और जॉर्ज पंचम और मेरी आए हुए थे यहाँ पर, उसी दौरान है ये आपका, है ना, और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और इसी दौरान जो है दिल्ली को कैपिटल भी बनाया जाएगा भारत का, है ना, बंगाल से। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई, तो ईयर बताना है हमको यहाँ पर, तो ये किया गया 1916 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है, जिसमें बरही कांग्रेस ने 1930 और 31 में अंग्रेजी जो प्रशासन था उसको पूरी तरीके से तोड़ने में सफलता प्राप्त की थी, ठीक है ना, वो बताना है हमको यहाँ पर, तो इसका आंसर आपका गया हो जाएगा। इसके बाद कौन सा ऐसा स्टेट है जो खनिज उत्पादन में सबसे धनी है आपका, है ना, चार ऑप्शंस में से बताना है, इसमें राजस्थान है, एमपी है, बिहार है और उड़ीसा है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, 55 का सी हो जाएगा। अब ये पुराने क्वेश्चन है ना, झारखंड और उस संदर्भ में देखा जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डेटा आप अपडेट कर जाइएगा, भारत में पहले उर्वरक संयंत्र की स्थापना सबसे पहले कहां की गई थी, तो सिंदरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर का जो पठार है उस पर कौन सा जो है इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, औद्योगिक क्लस्टर है, वो बताना है हमको यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो औद्योगिक क्लस्टर है वो रांची है। इसके बाद दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है, दामोदर नदी का, ठीक है ना, वो बताना है हमको, तो छोटा नागपुर का पठार होना चाहिए क्या आपका यहाँ पर, बताइए जरा, बिल्कुल वही होगा, बाकी तो सब इरिलेवेंट है आपके ऑप्शंस। बिहार में वन क्षेत्र पूछा जा रहा है, अब ये पुराने डेटा के हिसाब से है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन तो तब जब पूछा गया होगा तो उसका आंसर आपका 31 लाख हेक्टेयर होगा। ये सब डेटा आप जो है अपडेट कर जाइएगा। इसके बाद बिहार में एक जो है आपका स्टील प्लांट है उसका नाम बताना है हमको, ठीक है, तो ये अब तब के हिसाब से जमशेदपुर है, अब आज तो झारखंड हो गया ना, ये आज तो झारखंड हो गया, ये जमशेदपुर टाटा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी सरफुद्दीन मनेरी सूफी सिलसिला से रिलेटेड जो है आपके बिहार के जो प्रसिद्ध हैं वो किस सिलसिले से संदर्भित है, चिश्ती से, सुहरावर्दी से, फिरदौसी से कि कुबरावी से, ठीक है, तो इसका आंसर आपका फिरदौसी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि मेडिवल एक आपका सिटी था बिहार शरीफ, वो किस लिए प्रसिद्ध था, बिहार शरीफ जो है वो किस लिए प्रसिद्ध था, ठीक है ना, तो ये प्रसिद्ध था एक शिक्षा केंद्र के रूप में और एक धार्मिक केंद्र के रूप में, है ना, तो सेकंड एंड फोर्थ हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा एरिया है जिसने यूरोपीय लोगों को नाइट्रा शोरा और अच्छी गुणवत्ता की अफीम की आपूर्ति की थी, तो भैया बिहार ने की थी, किसने की थी, बिहार ने, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बराबर की गुफाएं हैं आपकी वो किसके निवास स्थान के रूप में जानी जाती हैं, प्रयोग होती हैं, तो देखिए आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड है आपकी ये, ठीक है ना, आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड है और ये आपका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इत्सिंग थे चीनी यात्री, उन्होंने बिहार की यात्रा कब की थी, ये बताना है हमको यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है नन ऑफ द अबव होगा, है ना, ये फिफ्थ जो है आपकी एडी का टाइम है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से लोकसभा के कितने सांसद आते हैं, फिर वही क्वेश्चन है आपके, सांसद कितने आते हैं वो बताना है यहाँ पर, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर 54 है और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा जा रहा है छोटा नागपुर का पठार जो है वो किस तरीके की आपका उच्चावच है, वो बताना है हमको यहाँ पर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पेनी प्लेन है, ठीक है, पेनी प्लेन है। बिहार की पहली जो चीनी मिल है उसकी स्थापना कहां पर की गई थी, ये बताना है हमको यहाँ पर, तो इसकी स्थापना जो की गई थी आपकी वो मरहौरा में किया गया था। और व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन प्रोडक्शन ऑफ रॉ कॉपर के मामले में बिहार की रैंकिंग क्या है उसके उत्पादन में, ये बताना है हमको यहाँ पर, तो ये सेकंड थी। और बिहार का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कितना है,
तो ये जो है आपका लगभग जो है 174 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा जो है कौन सी नदी से जुड़ी हुई है, गंगा है ना, तो सोन जो है वो आप लोगों को पता है ना, और गंडक भी पता है आपको, तो किससे जुड़ी हुई है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ज्वाइनिंग विथ गंगा इन बिहार, बिहार में जाके मिलती है आपकी, है ना, तो ये बताना है हमको। तो गंडक है, सोन है, घाघरा है जिसको घाघरा बोल रहे हैं, और पुनपुन नदी है आपकी यहां पर लिखी हुई, ठीक है। तो ये चारों की चारों नदी है, इसका आंसर आपका 1, 2, 3, 4 ऑल हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है संसार का सर्वोत्तम जो खनिज है अभ्रक, वो कहां से प्राप्त होता है, अभ्रक के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका हजारीबाग से प्राप्त होता है, ओनली सेकंड, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार की जो सिंचाई क्षमता है वो कितनी है, बिहार की जो सिंचाई क्षमता है वो कितनी है, तो भैया 91.64 लाख हेक्टेयर है बिहार का जो फसल घनत्व पूछा गया है, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग बिहार के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कितना है इंटेंसिटी, तो भैया 138% है। बिहार की कृषि का स्वरूप क्या है, है ना, स्वरूप क्या है, तो सब्सिस्टेंस है कि कमर्शियल है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है कि सेल्फ सफिशियंट है ना, ये बताना है हमको यहाँ पर। तो भैया अभी हमारे यहाँ भारत की ही जो लगभग आप खेती देखेंगे तो सब्सिस्टेंस में आ गई है, अब आपकी वो जीवन निर्वाह के काम पे है, वो जो निर्यात उर्यात उन्मुख वाला तो अभी चरण हमारे यहाँ दूर है, इसीलिए तो हम बात करें किसानों की आय को दुगना करने की 2022 तक, देखिए अभी एक साल है कब तक दुगनी हो जाती है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का जो युद्ध हुआ उससे बिहार के कई जो सिटी है वो प्रभावित हुए, है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हमको लगाना है कि कहां पर जो आंदोलन हुआ वो किस क्रम में हुआ, कालानुक्रम, जो कालानुक्रम में लगाना है, मतलब आंदोलन जो है धीरे धीरे फैला होगा, सबसे पहले उसके बाद उस सीक्वेंस में हमको यहां पर लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले रोहिणी, देन पटना, देन मुजफ्फरपुर, देन जगदीशपुर, है ना, जगदीशपुर, ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर उस जनजाति का नाम बताना है जिसने मानव बलिदान परंपरा को प्रतिबंधित करने के लिए जो अंग्रेजी प्रयास था उसके खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है ना, तो जनजातियों के कस्टम्स में जैसे इंटरफेयर होता था तो वो एजिटेट करते थे वहां पर, है ना, उसी का ये एक आयाम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खोंड जनजाति थी वो आपकी। इसके बाद जो बिरसा मुंडा जी के गुरु कौन थे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फेमस है इसका, आनंद पांडे हो जाएंगे, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर तो आपका बी हो जाएगा, बिरसा मुंडा जी के गुरु जी का नाम जो पूछा गया था तो वो आनंद पांडे होगा। इसके बाद 1855-56 में जो संथालों ने किस ऐसे क्षेत्र में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, संथाल विद्रोह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो एरिया बताना है हमको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर, तो भागलपुर और राजमहल वाला एरिया है। 1830 के दशक में पटना जो है एक सेंटर के रूप में उभरा था, तो किसका एक सेंटर था वो आपका, कौन से विद्रोह का, वो यहाँ पर बताना है हमको। तो ये जो है वहाबी जो मूवमेंट हुआ था उसका सेंटर के रूप में उभरा पटना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहां पर ये बताना है कि कौन सा ऐसा रीजन है जिसको हमको सेलेक्ट करना है यहां पर, जहां पर इंडिगो जो पीजेंट थे उन्होंने रिवोल्ट किया था 1866-67 में, 1866-67 में, ठीक है ना, तो एरिया हमको यहां पर आइडेंटिफाई करना है, तो ये आपका चंपारण और मुजफ्फरपुर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रोविंशियल कमेटी थी जो फॉर्म की गई थी बिहार में एज पर प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से, वो बताना है हमको, तो कब किया गया था, 72, 74, 76 या 78, तो रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया, 73 में लाया गया, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर आपका, 1774 होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया, तो 1934 में किया गया था, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से संसद के कितने सदस्य केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल हैं, तो ये उस समय पूछा गया रहा होगा क्वेश्चन जब, तो उस समय के हिसाब से उसका आंसर यहां पर दिया जाएगा ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग, तो इसका आंसर आपका सी उस समय के हिसाब से 7 हो जाएगा। बिहार में जो प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा ये बताया जाएगा यहां पर, बताना है हमको यहां पर। अब देखिए यहां पर कौन अध्यक्षता करेगा, तो बिहार के मुख्यमंत्री करेंगे, ये जो है प्रावधान है वहां पर, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा बिहार में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में जो ग्रामीण शहरी जनसंख्या का रेशियो है वो कितना है रेशियो, ठीक है ना, तो ये रेशियो जो है 80-20 का है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट द एंड ऑफ 1995 जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स थे बिहार में वो कितने थे, है ना, अब उस समय के हिसाब से पूछा जा रहा है,
ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 55 था। पटना जो है एक प्रांतीय राजधानी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया, किसके द्वारा किया गया है ना, उस शासक का नाम बताना है हमको यहाँ पर। तो ये किया गया था आपका शेरशाह, शेरशाह सूरी जी का नाम जो है आप लोगों को पता भी होगा है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में बिहार का जो स्वर्ण खनन है वो कहाँ स्थित है, है ना, गोल्ड माइन जो है कहां पर सिचुएटेड था 17th सेंचुरी में बिहार में, उस एरिया को हमको यहां पर आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका पटना है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व जो 2011 के अनुसार बिहार की स्थिति क्या है, तो यहां पर ये बताना है जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार की स्थिति क्या है, तो सेकंड है भैया भारत में, सेकंड इन इंडिया है ना, इतनी ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और गरीबी भी उतनी ज्यादा है वहां पर, ठीक है ना। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें आप स्थिति देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है वो बताना है, तो लोहरदगा है आपका। इसके बाद बिहार का जो तराई प्रदेश है वो कहां तक विस्तृत है ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी कगार जो है उसके पैरेलल बोल रहे हैं आपके, ठीक है ना, तो ये होगा नहीं, ये पैरेलल होगा आपका इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर एरिया है, है ना। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर के जो जंगल हैं वो कैसे हैं जंगल आपके, है ना, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन आपका। तो ये आपका संदर्भित होगा कैसा, जो सवाना जो यहाँ पर लिखा गया है होना चाहिए क्या ऐसे जो फॉरेस्ट है वहां पर, बताइए जरा, है ना, सवाना जो है वैसे टाइप के और पतझड़ टाइप के होने चाहिए आपके, है ना, तो डेसीड्यूस और सवाना, तो इसका आंसर आपका सेकंड एंड थर्ड, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, सदाबहार और कांटेदार तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो लॉ अयस्क निकाला जाता है वो कहां से निकाला जाता है, एरिया हमको वहां पर जो है आइडेंटिफाई करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिंहभूम जिला हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये झारखंड वारखंड में जो आपके एरिया अलग हो गए वो अब हो गए, ये पुराने क्वेश्चन में तो उसी हिसाब से आंसर दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद जो छोटा नागपुर की मुख्य फसल है वो कौन सी है ये बता रहे हैं हमको यहाँ पर, तो इसकी जो मुख्य फसल है एक तो मक्का है और दूसरा आपका गेहूं है, तो सेकंड एंड फोर, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो जूट उद्योग का बेल्ट है वो कौन सा बेल्ट है आपका, ठीक है, तो इसका जो बेल्ट है आपका वो बेल्ट है आपका उत्तर पश्चिम बिहार का मैदान होगा और नॉर्थ ईस्ट प्लेन भी हो जाएगा बिहार का आपका, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम जो है दोनों मैदान आ जाएंगे बिहार का, दामोदर नदी घाटी और मध्य दक्षिण का मैदान नहीं आएगा, तो 1 and 2 ओनली, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मिनरल प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय बिहार, ठीक है ना, कितने जो टोटल मिनरल प्रोडक्शन जो होता है उसमें बिहार के द्वारा टोटल कितना प्रोडक्शन किया जाता है मिनरल प्रोडक्शन के कंटेक्स्ट से पूछा जा रहा है, तो लगभग 36% उस समय का डेटा है। इसके बाद बिहार की कुल खेती योग्य भूमि का कितना परसेंटेज जो एरिया है वो सिंचित है आपका, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका आंसर आपका 30-40% होगा, है ना। पूरे भारत में अभी भी जो है 55-60% जो हमारी कृषि है वो मानसून पर आधारित है ना, इसीलिए जो है अब हमारे यहाँ सिंचाई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, फिर जो शुष्क क्षेत्र वहां पर ड्रिप एरीगेशन वगैरह और भी जो नई तकनीकी है उनको अपनाया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना वो औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं ये बताना है हमको, तो वर्ल्ड बैंक करता है क्या, गरीबी वरीबी से रिलेटेड आपके जो फंडिंग वगैरह होती वो करता है कि नहीं करता है, बताइए, करता है, लेकिन ये जो है आपका बिहार, बिहार के कंटेक्स्ट से पूछा है तो ये बिहार राज्य वित्त निगम से संदर्भित है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जो है किस संदर्भ में राष्ट्रीय नेता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो ये आपके राष्ट्रीय नेता के रूप में कहां से इनको जो है आपकी उपलब्धि मिली, तो भारत छोड़ो आंदोलन से मिली, ठीक है ना, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कौन से ऐसे क्षेत्र जो है वो प्रभावित नहीं हुए थे 1857 के विद्रोह के दौरान, उस एरिया को हमको आइडेंटिफाई करना है, तो दानापुर हुआ था, पटना हुआ था, आरा हुआ था, मुजफ्फरपुर हुआ था, लेकिन मुंगेर नहीं हुआ था, है ना, मुंगेर जो है नहीं हुआ था, तो ओनली 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जो किस ईयर में जो आपका गौ हत्या निषेध के लिए जो बिहार में गौ रक्षिणी सभा एस्टैब्लिश की गई थी, है ना, तो किस वर्ष की गई थी ये बताना है हमको, गौ रक्षिणी सभा गौ हत्या निषेध के लिए जो है उसको स्थापित किया गया था बिहार में और उसको बताना है कि किस ईयर पे किया गया था, तो इसका आंसर आपका 1882 हो जाएगा। और रिपन का टाइम चल रहा है क्या ये आपका, है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा जो है कौन से ईयर में बिहार से अलग हुआ था ये बताना है हमको यहाँ पर, ठीक है, तो 90 में हुआ, 1990 है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो छोटा नागपुर किराएदारी जो अधिनियम पारित किया गया था, किराएदारी
है ना, टेनेंसी एक्ट जो है छोटा नागपुर का, वो कब पास किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और इसका आंसर आपका 1908 हो जाएगा। बिहार में उत्पादन में चावल के बाद जो है दूसरी फसल कौन सी है ये बताना है हमको, तो क्या होगा बताइए, मेन जो है आपका गेहूं हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजादी के बाद जो है बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है, दो गुना, चार गुना, पांच गुना, दस गुना। अब दस गुना तो बढ़ेगा नहीं भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये तो आपका, है ना, तो ये बना है, बढ़ा है लगभग चार गुना। छोटा नागपुर में जो प्राइमरी लेवल पर अर्थव्यवस्था जो आधारित है वो किस पर है, छोटा नागपुर में पूछा जा रहा है। छोटा नागपुर का पठार जो है रूर एरिया बोला जाता है, संपन्न क्षेत्र है आपका, तो कैसी इकोनॉमी किस पर डिपेंडेंट होगी यहाँ पर मेनली, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आदिवासी भी आपके जो है वो निवासरत थे, तो ये वन पर, फॉरेस्ट पे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है कि खनिज पर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है वो आपकी कहाँ पर अवस्थित है आपकी, है ना, ये स्टेट स्पेसिफिक ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, न्यूअर देन ऑल ऑफ द इज, मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पारसनाथ जो आपकी पहाड़ी उससे पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर की आपकी पहाड़ी से पुरानी, तो ये इन सबसे नई है जो आपकी बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो दामोदर नदी बहती है, दामोदर, वो किस तरीके के रीजन से, तो मतलब कास्ट रीजन है, फॉल्ट ट्रफ है आपका, कि एल्यूवियल रीजन है आपका, है ना, ये बताना है हमको यहाँ पर, तो ये जो है आपका फॉल्ट जो गर्थ है उसके संदर्भ में बहती है आपकी, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है बिहार का उसके कितने प्रतिशत में वन अवस्थित है, है ना, अब वैसे बोला गया है कि 33% जो है वो होना चाहिए, 1/3 को माना जाता है कि आइडियल है, लेकिन यहाँ पर कितना है वो बताना है हमको, तो ये लगभग जो है 17% है। इसके बाद बिहार में जो हैवी मशीनरी जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना, हैवी मशीन प्लांट जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है ये बताना है हमको यहाँ पर, तो ये अब देखिए हैवी मशीन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अलग हुआ है झारखंड, ये पहले के क्वेश्चन से, मूरी किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है, मूरी जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज वाले क्वेश्चन तो हमको इंपॉर्टेंटली देख के जाना है, एल्यूमिना प्लांट के लिए फेमस है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो है आपका मैथन जो है प्रोड्यूस करता है ना, तो कौन करता है यहाँ पर, किसके द्वारा किया जाता है, थर्मल पावर या मैथन जो है आपका क्या प्रोड्यूस करता है, थर्मल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर या सोलर एनर्जी को, किसको करता है, तो भैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक को करता है। इसके बाद बिहार में जो बिहार जो है सबसे अग्रणी उत्पादक है भारत में किस संदर्भ में, है ना, तो अभ्रक आएगा इसका आंसर फिर से आपका, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध है, तो भैया बौद्ध दर्शन के लिए, और दर्शन के लिए भी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी वगैरह के संदर्भ में हम लोग पढ़ते होंगे, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है कि एक सेंटेंस देखे कि ये हमारा दोष होगा अगर हम बिहार के लोगों और उनकी सरकार को हिंसा और लीग के नेता के असभ्य हमलों के सामने असुरक्षित छोड़ देते हैं, तो 1946 में ये कौन बताया था, ये बताना है हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करके, है ना, तो यहाँ के ये फ्रीडम फाइटर वाला जो हमारा जो नेशनल मूवमेंट है हमारा, उसके संदर्भ में बिहार का जो हम वहां पर योगदान देखते हैं उसके संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरदार पटेल हो जाएगा, ठीक है ना, उन्होंने एकीकरण किया इसलिए उनको बिस्मार्क से तुलना की जाती है, भारत के लौह पुरुष बोला जाता है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह जी ने किया था, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि किस किसान आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था, तो चंपारण है, केक के बारे में आप लोगों को पता भी होगा जो आपका क्या है, चंपारण है, अहमदाबाद है, खेड़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले बिहार के नेता कौन से थे, तो इसमें से हमको आइडेंटिफाई करना है, तो ये थे आपके राजकुमार शुक्ल जी, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो चंपारण आंदोलन से कौन नहीं जुड़े हुए थे उनका नाम बताना है हमको, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे इसमें, अनुग्रह नारायण सिंह जी का नाम यहाँ पर लिखा गया है वो भी थे, जेवी कृपलानी भी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बेगूसराय में जो चौकीदार कर लगाया गया था उसके खिलाफ जो आंदोलन की प्रेरणा थी वो कौन थी, है ना, क्या थी वो बताना है यहाँ पर, ठीक है, किसके लिए वो प्रेरणा थी, मतलब जो कर के खिलाफ का आंदोलन था एक प्रेरणा थी, किसके लिए थी, तो असहयोग आंदोलन के लिए थी, बिल्कुल ठीक है, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा गया कि शाहबाद, गया और पटना जो जिला है
उसमें गौ रक्षा का जो इशू था उसमें इंडियन जो हिंदू मुस्लिम है ना, इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम के बीच भयानक दंगा झगड़ा हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था वो बताना है, तो 1917 में हुआ था। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि 1908 के छोटा नागपुर का जो टेनेंसी एक्ट था उस पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था, है ना, उस मतलब किस प्रोडक्ट पर उसने जो है वो वहां पर प्रतिबंध लगाया था ये बताना है हमको। तो ये लगाया था आपका बेठ बेगारी पे, है ना, जो आपका बेठ बेगारी बोला जाता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ईयर में बिहार को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत अलग प्रांत का दर्जा मिला था, है ना, अलग प्रांत का दर्जा मिला था। तो 35 से जो देखिए, अब देखिए बिहार को पूछा जा रहा है तो 12 से अलग किया गया था बिहार को, ये आप लोगों को पता है, लेकिन अलग प्रांत का, है ना, प्रांत का, तो वो 1935 के एक्ट से तो कब 1936 में आएगा, 1936 में आएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद तो जो आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उसकी पहली बैठक पटना में कौन से ईयर में आयोजित की गई थी ये बताना है आपको, तो ये 1934 में की गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में एक अलग प्रांत के लिए आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था, और फिर उसी के परिणाम स्वरूप जो है 1911 में बिहार और उड़ीसा को एक नया प्रांत बनाया गया था, तो इसके लीडर कौन थे जिन्होंने ये बात उठाई थी, तो ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आंसर आपका ए हो जाएगा। इनसे जुड़े कुछ और भी इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं, बताइएगा क्या है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों की सीमा की संख्या बताइए जो बिहार को आपके टच करती हैं, है ना, तो ये आपकी चार हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है आपका कि जो आपका बिहार से होकर जाने वाला नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, नेशनल हाईवे के बारे में बताना है हमको यहां पर, तो ये है आपका नेशनल हाईवे जो है आपका यहां पर देखिए, तो इसका जो आंसर है आपका वो नेशनल हाईवे नंबर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसको आप सुधार लीजिएगा हिंदी साइड में, 33 होगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। टिस्को को जो लौह अयस्क की आपूर्ति होती थी वो कौन से क्षेत्र से होती थी ये बताना है हमको, तो ये आपका सिंहभूम से होती थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उपलब्ध विकल्प है जो दिए गए नीचे विकल्प उसमें से बिगेस्ट सिटी कौन सी है, तो जमशेदपुर जो है वो फेमस भी है, और ये अब तो आपका कहां पर चला गया बताइए, ये जमशेदपुर तो अब बिहार में नहीं है ना, झारखंड में है, है ना, टाटा नगर भी जिसको बोला जाता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है जिसका उद्गम जो है बिहार से है, तो बंगाल का शोक दामोदर को बोला जाता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले पर जो बेस्ड आपके तीन थर्मल पावर स्टेशन है वो बिहार में अवस्थित हैं, और वो कौन कौन से हैं उनका नाम बताना है हमको यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसका नाम है बोकारो है, चंद्रपुरा है, और आपका क्या हो जाएगा संथाल डी, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका जातिगत आतंकवादी सेना पर आधारित राजनीति है वो किस में है, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्टियस्ट टेररिस्ट सेना है ना, वो कहां पर है आपका, तो बिहार में है भैया, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। सेंटर ऑफ स्टील प्लांट जो है बिहार में वो कहां सिचुएटेड है ये बताना है हमको यहां पर, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोकारो और जमशेदपुर हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट के बारे में पता होगा, टिस्को के बारे में आपको पता ही होगा। इसके बाद जो बिहार में मानसिक शरण जो है मतलब जो आपका लुनैटिक असाइलम बोला जाता है वो कहां पर सिचुएटेड है आपका ये बताना है, तो रांची में है, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ये पुराने हैं तो इसको अपडेट कर लीजिएगा, जब हम प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें तो इन क्वेश्चन को देखना ही पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका जो केंद्र है 15 जुलाई 1857 से 20th of January 1858 तक कहां पर था उसका सेंटर, किसके अराउंड था, तो ये बताना है हमको, है ना। तो जगदीशपुर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ज्यादा फेमस है, और वही इसका आंसर भी हो जाएगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। हॉज जो आपका रिवोल्ट या विद्रोह हुआ था आपका वो किस एरा में हुआ था ईयर बताना है हमको यहां पर, ठीक है, तो ये जो है आपका 1821 हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि जगदीशपुर के जो राजकुमार थे वो कौन थे, तो भैया कुंवर सिंह थे आपके, है ना, बहुत फेमस है ये पर्सनालिटी आपकी, और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामविलास सिंह जो है वो आपके एक्टिव मेंबर थे फॉरवर्ड ब्लॉक के, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपके सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया जाता है, तो ये आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड थे जो रामविलास सिंह थे बिहार में वो बताना है हमको यहाँ पर, तो ये रिलेटेड थे आपके मुंगेर से। इसका आंसर आपका
डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो नेता जो थे आपके हजारीबाग से 6 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए थे, उनका नाम बताना है हमको। तो उनका नाम है आपका नारायण सिंह जी और सुखलाल सिंह जी, बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद जगत नारायण लाल जी की पत्नी का क्या नाम था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती रामप्यारी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें भेजा गया, तो कौन सी जेल में भेजा गया था, उस जेल का नाम पूछा जा रहा है। तो भैया बांकीपुर जेल है वो आपकी, आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है जयप्रकाश दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, जयप्रकाश दिवस जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 14th मार्च 1940 लिखा हुआ है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो आपका आंसर होगा आपका, जब जयप्रकाश नारायण जी को जेल भेजा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उसके बाद जब उनको छोड़ा गया वहां से, तो जो आपका वहां पर रैली वगैरह किया गया है ना, बांकी जो जेल देख रहे थे हम लोग, तो वहां पर जो है रैली वगैरह किया गया, तो अप्रैल 1946 में उसको जयप्रकाश दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया गया था। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बिहार में गरीबी रेखा से नीचे के अधिकतम लोगों का क्या कारण है, है ना, मतलब जो बहुत सारे लोग वहां पर बीपीएल के नीचे हैं, तो उसका मेन रीजन क्या है वो यहाँ पर हमको बताना है, ठीक है। तो उसका जो मेन रीजन है, एक तो फेल्योर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स भी है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी है, लार्ज नंबर ऑफ लेबर क्लास भी है, तो सभी रीजन है यहाँ पर। इसका आंसर आपको ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मॉड वैट है जो अप्रैल 2001 से लागू हुआ था, वो किसकी जगह, अब तो जीएसटी वगैरह आ गया आपका, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स जो है आपका वो क्या हो गया, जीएसटी ने उसको जो है सब्सिट्यूट कर दिया, लेकिन तब के हिसाब से किसने, किस टैक्स को उसने रिप्लेस किया होगा, है ना, वो पूछा गया है। तो ये आपका सेल्स टैक्स हो। उसके बाद जो मुंडा जनजातियां अधिकांशतः कहां पर बसी हुई हैं ये बताना है हमको, तो छोटा नागपुर का पठार वाला आपका एरिया है ये आपका, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बिहार हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये बताना है यहाँ पर हमको। तो ये जुड़े हुए थे आपके, किससे जुड़े थे बताइए, ये जुड़े थे आपके ना तो क्विट इंडिया मूवमेंट से, या आपका दांडी मार्च या सीडीएम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपके इन तीनों मूवमेंट में किसी से नहीं जुड़े थे, होम रूल लीग मूवमेंट से ये आपके जुड़े हुए थे, ठीक है ना, और फिर जो है आपका बाकी ये किसी मूवमेंट से आपके एसोसिएटेड नहीं थे, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में किसान आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे, उनका नाम बताना है हमको यहाँ पर। तो राजेंद्र प्रसाद जी का नाम है, सी आर दास जी का नाम है, मोतीलाल नेहरू और भगत सिंह, ये तो होंगे नहीं आपके, ठीक है ना, भगत सिंह जी का नाम तो यहाँ पर आएगा नहीं आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो राजेंद्र प्रसाद जी वहां से संदर्भित है, इनका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद निवासी कहाँ के थे आपके, तो बिहार के निवासी थे आपके, ये आपके है ना बिहार के थे, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी किस आंदोलन से संबंधित थे ये बताना है हमको, तो भारत छोड़ो आंदोलन से थे, उसी के बाद जेल से रिहा किया जाता है उनको, और फिर उसके बाद वो दिवस के रूप में मनाया जाता है जयप्रकाश दिवस, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।